channel and press the bell icon to get the latest notification. हेलो फ्रेंड्स, फूडी मोडी विद अक्षता में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है रेड हॉट कोकोनट चटनी। ये बहुत ही टेस्टी चटनी है, ये डोसे इडली के साथ बहुत अच्छी जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करें। रेड हॉट कोकोनट चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए करी पत्ता, एक कप किसा हुआ नारियल। मैंने नारियल का ब्राउन हिस्सा निकाल दिया था, उसके बाद इसे अच्छे से पीस लिया है। 1/4 कप कुकिंग ऑयल, 2 टेबलस्पून चना दाल, 12 से 15 लाल मिर्च, इमली, चुटकी भर हींग, 1 टीस्पून उड़द दाल, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून राई मस्टर्ड सीड्स। तो चलिए रेड हॉट कोकोनट चटनी बनाना शुरू करें। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डालें, तेल हल्का गरम हो जाने दें। इसमें 1 टेबलस्पून चना दाल डालें, 1/2 दाल को हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। चना दाल हल्का रोस्ट हो गया है, इसमें इमली डालें, मिर्ची, नमक, और हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, इसमें नारियल डाल दें। इसका बारीक पेस्ट बना लें। मैंने कोकोनट मिक्सचर को एक मिक्सिंग जार में ट्रांसफर कर लिया है, इसको ग्राइंड कर लें। चटनी पीस करके रेडी है। मैंने इसे बारीक पीसने के लिए इसमें 2 कप पानी डाला। चलिए अब चटनी का तड़का तैयार कर लें। इस तड़के बाउल में हम बाकी बचा हुआ तेल डाल देंगे। तेल को गर्म हो जाने दें। इसमें 1/2 टीस्पून राई डालें, चना दाल डालें, चुटकी भर हींग, उड़द दाल, फ्लेम ऑफ कर दें। इसमें करी पत्ता डालें, तड़के को चटनी के ऊपर डाल दें। रेड हॉट कोकोनट चटनी बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।